मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे युवा साथी श्री राजवर्धन सिंह राठौर जी, अन्य महानुभाव और बड़ी संख्या में आए मेरा युवा साथियों, मेरे सामने न्यू इंडिया की नई तस्वीर मैं देख रहा हूं। देश के कोने कोने से भाषा भूषा की विविधता लिए रंग बिरंगी माला रूपी माँ भारती के आप सभी मनकों का मैं अभिवादन करता हूं। तकनीक के माध्यम से हमारे साथ देश भर से जुड़े एनसीसी, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र के साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आप जैसे ऊर्जावान और जोश से भरे साथियों से मैं जब भी मिलता हूं, चर्चा करता हूं, तो आपकी ये ऊर्जा, आपका ये जोश मेरे भीतर भी मैं अनुभव करता हूं। आप बीते दो दिन से यहां पर देश और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा की यही भावना, संवाद की यही प्रक्रिया देश के जनतंत्र को सशक्त करती है। साथियों, देश के वर्तमान और भविष्य को लेकर आपकी सार्थक चर्चा के लिए अनेक साथियों को यहां पुरस्कृत करने का मुझे अवसर भी मिला है, जिनका पुरस्कृत करने का मुझे अवसर मिला है वो बधाई के पात्र है ही। बाकी साथियों को भी मैं बधाई दूंगा, क्योंकि आपकी भागीदारी भी एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। साथियों, इन विचारों को लोकतंत्र, देश और समाज के विमर्श से जोड़ने की हमेशा मेरी कोशिश रही है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट इसी कोशिश का एक हिस्सा है। मैंने एक बार मन की बात कार्यक्रम के में बात करते समय इसी एक प्रकार की भावना को मैंने प्रकट किया था, और मुझे खुशी है कि इसको सफलता के साथ मूर्त रूप दिया गया है। लेकिन मेरा इसमें आग्रह रहेगा, क्योंकि पहला प्रयोग था, थोड़ा बड़ा प्रयोग था, अगर अच्छा होगा कि आप लोग इस पूरे कार्यक्रम की रचना, उसमें क्या कमी रही और अच्छा कैसे हो सकता था, विषय अच्छे कौन से हो सकते थे, प्रादेशिक भाषाओं का महत्व कैसे मिल सकता था, अगर सुझाव, और मैं चाहूँगा कि डिपार्टमेंट इसके लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था करे, और सभी पार्टिसिपेंट्स इस कार्यक्रम की रचना के संबंध में सुझाव दे करके अगर इसको और मजबूती देते हैं और नयापन, इनोवेटिव आइडिया देते हैं, तो ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, और भविष्य में भी जो पार्लियामेंट जाना चाहता है वो पहले सोचेगा कि इस पार्लियामेंट से गुजरे। वो भी अपनी प्रोफाइल में लिखेगा कि मैं यूथ पार्लियामेंट में इतनी बार हिस्सा लिया, इतनी बार मुझे बोलने का मौका मिला, इतने विषय पर बोला, इतनी बार इनाम जीत करके आया, इतनी बार पिट करके आया। तो एक तो मेरा आग्रह है कि क्योंकि इसको हम एक, और वैसे भी जो लोग अब मुझे, क्योंकि आप लोग अगर
इस प्रकार के स्पर्धा में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपने सिलेबस के बाहर भी कुछ पढ़ते हैं, सिलेबस के बाहर कुछ सोचते हैं। जो सिलेबस में बंधे हुए वो तो यहाँ नहीं आते हैं, वो वहीं टिके रहते हैं। और इसके कारण शायद आप मेरा भी अध्ययन करते होंगे। और मुझे भरोसा है कि आप वो चीज नहीं लेते होंगे जो आपको परोसी जाती होगी, आप ढूंढ करके निकालते होंगे कि सही क्या है। वरना परोसा हुआ माल जरा गड़बड़ होता है। आपने देखा होगा कि मैं स्वभाव से टोकनिज्म में मुझे यानी मेरा विश्वास ही नहीं है। कोई एक लंबी सोच के साथ एक के बाद एक इंटरलिंक व्यवस्थाएं विकसित करना, ये मेरी कार्यशैली का हिस्सा है। सब चीजें पहले नहीं बताता हूं, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है। धीरे धीरे खोलता। मेरे मन में एक बहुत बड़ा सपना है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा यहां शुरू हो रहा है। और इसको अगर आप और आपकी भागीदारी से अगर ये व्यवस्था विकसित होती है, और मैं तो चाहूंगा कि हो सके इतना जल्दी इसको सरकार से बाहर निकाल दिया जाए। या तो इसको सरकार से बाहर निकाल दे या इसमें से सरकार को बाहर निकाल दे। विनोबा भावे कहा करते थे, असरकारी असरकारी, समझ आया? असरकारी असरकारी। इसका रूप क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए पूरे देश में सरकार कैटलिक एजेंट हो, सरकार उद्दीपक का काम करे, सरकार बाउंड्री तय करे, ये सब करे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, लेकिन पूरा इनिशिएटिव हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, ये सब मिल करके यूनिवर्सिटी के जो चुनाव जीत करके आए हुए लीडर्स हैं, ये सब मिल करके ये लगातार डिस्ट्रिक्ट में साल में तीन तीन चार चार विषयों पर बड़ी व्यापक डिबेट करें और एक माहौल बने। मैंने ये डिबेट है ना, फिर बड़े बड़े स्टेडियम में करनी पड़े डिबेट, 25-25, 50,000 लोग सुनने आ जाए और देखें हमारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन आप कहेंगे करेंगे कौन? और इसलिए क्या हम इसको उस दिशा में ले जा सकते हैं क्या, ताकि ये व्यवस्था ज्यादा विकसित हो, उसका लाभ मिले। दूसरा, वक्तृत्व ये सिर्फ शब्दों का श्रृंगार नहीं होता है, वाणी का आरोह अवरोह नहीं होता है। हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द सही जगह पर तीर की तरह जाना चाहिए। हमारी वाणी इंप्रेसिव हो या ना हो, इंस्पायरिंग जरूर होनी चाहिए। महात्मा गांधी से शायद बड़ा कम्युनिकेटर पिछली शताब्दी में तो मुश्किल है मिलना। वो कोई वक्तृत्व शैली के धनी नहीं थे और नहीं कि उनके पहनावों में कोई इंप्रेशन करने का कोई प्रयास था,
ना ही उनके शरीर की रचना में भी कुछ ऐसी चीज थी। आप कल्पना कर सकते हैं, ना ऑरेटरी है, ना उस प्रकार का प्रभावशाली व्यक्तित्व है, लेकिन वो कौन सी तपस्या होगी कि उनका एक शब्द, और उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाता था। ये जो कम्युनिकेशन है, ऑरेटरी दैट वन थिंग, कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। उस कम्युनिकेशन स्किल को हम कैसे डेवलप करें, और अगर हमारे देश में, गांव में, शहर में, कस्बों में अगर ऐसी युवा पीढ़ी तैयार होती है जो समाज के मुद्दों पर सही तरीके से सोच करके समाज को अपनी बात बताते हैं, तो समाज का मन बनाने में बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं जी। और इसलिए ये अपने आप में ये प्रयोग ग्रासरूट लेवल पर एक सशक्त संरचना खड़ी करने की दिशा में हमारा नम्र प्रयास है। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं होगा कि आप लोगों की तरफ से मांग आएगी कि तीन प्राइस देते हो तो कम से कम एक पुरुषों के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। इन बेटियों को लाख लाख बधाई। तीनों बेटियों ने मैदान मार लिया। आपने देश से जुड़े हुए कई विषयों पर चर्चा की है यहां दो दिन में, स्वच्छता का विषय हो, समावेशी समाज हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, किसानों की आय की बात हो, एनवायरमेंट हो, खेल हो, ऐसे कई विषयों पर आप लोगों ने अपने अपने इस चर्चा के अंदर विचार रखे हैं। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे सुझाव आए हैं जिनको विस्तार देकर देश में चल रही अनेक योजनाओं को और मजबूत किया जा सकता है। और इसके लिए मेरा एक दूसरा सुझाव डिपार्टमेंट को है कि जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उनसे उनकी स्पीच राइटिंग में मांगी जाए, ऑनलाइन वो करें, और उसमें उनको भी कहा जाए कि आपने जो बोला था, जो लिखा है, उसमें से एक उत्तम वाक्य इसमें से ढूंढ करके आप निकालो, खुद भी, खुद ही अपना एग्जामिनर, और ऑनलाइन बुकलेट प्रसिद्ध की जाए कि इस विषय पर देश में 400 बच्चे बोले, इस प्रकार की बातें बोली, उन चार से महत्वपूर्ण वाक्य इनके ये थे। अगर ऑनलाइन बुक निकले तो ये लोग भी तो उस बुक को देखेंगे और 400 को पढ़ेंगे, सुनेंगे, यानी ये ऑटो पायलट व्यवस्था हो जाएगी। अब मुझे बताइए सर, करने में सरकार की जरूरत पड़ेगी क्या? बिना सरकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। और हर राज्य के जो टॉप 3 है उनका ऑनलाइन वीडियो भी उसमें उपलब्ध हो, ताकि किसी को उनकी स्पीच को देखना है, सुनना है तो देख सकते। एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जो अपने आप में यूथ का आकर्षण बने, और हो सकता है फिर आप जब पार्लियामेंट का एजेंडा निकले तो आप भी अपने इलाके के एमपी को मेल कर सकते हो कि देखिए इस विषय पे इन बच्चों ने कहा है, अगर आपको काम आता है तो ले लो। और मैं सच बताता हूं, कभी कभी एकाध कोने में से एकाध छोटे व्यक्ति की बात मुझ जैसे लोगों को भी इतनी काम आती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते जी। ये पड़ा है खजाना हमारे यहां। तो मेरा दूसरा एक आग्रह रहेगा कि हम इसको एक ऐसा व्यवस्था के अंदर बनाएं ताकि आगे चल करके ये अपने आप में ये उपयोगी हो, इसका लाभ होगा। ये ऐसा मंच है जो आप सभी की रॉ एनर्जी को एक शेप देगा, एक दिशा देगा। यहां से जो आइडियाज, जो सीख आप लेकर जाएंगे
उनसे ही कुछ नया सृजित होगा जो नए भारत की आत्मा, नए भारत के नए संस्कारों का निर्माण करेगा। साथियों, पार्लियामेंट जितना प्रोडक्टिव होगा, देश उतना प्रोग्रेसिव होगा। और इसलिए मैं जब यूथ पार्लियामेंट में आया हूं, हम क्या कर रहे हैं इसका जरा हिसाब भी देना चाहता हूं। और देश को पता होना चाहिए जिन एमपी को आप जिता करके भेजते वो कर क्या रहा है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, पूछना तो नौजवानों ने पूछना चाहिए। देखिए, 16वीं लोकसभा का उदाहरण देता हूं, एवरेज प्रोडक्टिविटी 85%, करीब करीब 205 बिल पास किए गए और 15वीं लोकसभा की तुलना में 16वीं लोकसभा ने 20% काम ज्यादा किया। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, अगर मोदी है तो फिर 20 से नहीं चलता है, 200 होना चाहिए। अब ये लोकसभा देश की जनता ने 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुन करके भेजा, उसका नतीजा है कि ये 20% भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, देश के टैक्सपेयर के पैसों का सही उपयोग हुआ और समय रहते हुए देश के लिए जरूरी वहां नीति निर्धारण हुआ। लेकिन राज्यसभा में क्या हुआ? अब राज्यसभा तो एल्डर्स का हाउस है, तपस्वी, तेजस्वी, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, वो बहुत ठंडे दिमाग से अच्छे ढंग से ये चुनकर के आए लोग हैं, करते तो जरा उनको समझाए, ये नहीं है ना, तो हो रहा है उल्टा। राज्यसभा का परफॉर्मेंस अभी जो लास्ट सत्र गया, सिर्फ 8%। अगर प्रोडक्टिविटी 8% है, कितनी बड़ी चिंता का विषय है। आप एक काम करिए, अपने यहां जाकर के डिस्ट्रिक्ट में या दो चार डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के राज्य का एक बड़ा सा युवा इवेंट कीजिए और आपके राज्य से जो राज्यसभा में गए हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है, आपके राज्य के हितों को लेकर के राज्यसभा में अपनी भूमिका अदा करना उनका दायित्व है, उनको बुलाइए, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाइए, बढ़िया माला वाला पहनाइए अच्छे से अच्छे शाल उड़ाइए, बढ़िया से बढ़िया चेयर रखिए, फिर उनको रिक्वेस्ट कीजिए थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर पूछिए क्या किया, जवाब मांगिए, तभी जाकर के देश में दबाव पैदा होगा। और यह भी लोकतंत्र है, यह अलोकतांत्रिक व्यवस्था मैं नहीं बता रहा। और मैं ये भी नहीं कहता हूं एक पार्टी के, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, राज्यसभा के सबको बुलाओ, अपने राज्य के लोगों को, क्या किया आपने। यानी देखिए, एक में से कैसी दूसरी शक्ति तैयार होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस काम अधिक लाभ करे। साथियों, युवा मन आकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी होता है और होना भी चाहिए। और इसकी अभिव्यक्ति करते हुए, वैसे मुझे जो ये बच्चियां बढ़िया बढ़िया कविता सुना रही थी, मुझे ज्यादा वो आता नहीं है, लेकिन कभी हमने पढ़ा था तो ऐसे टूटा फूटा जो याद रहता है। और किसी शायर ने कहा था कि उसे घुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे घुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है।
और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। ऐसे में चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में वो अधिक सक्षम होता है। साथियों, देश की, समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी जो अप्रोच है वो न्यू इंडिया को और मजबूत करने वाली है। जैसे आज का समय तेजी से बदल रहा है, वैसे ही आज की जनरेशन भी पहले की अपेक्षा कई गुना तेजी से सोचती है, काम कर रही है। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा, आपके ही परिवार में 3 साल 4 साल का भतीजा होगा तो उसका जो दिमाग चलता होगा, आप सोचते होंगे मैं तो इतना छोटा था, मुझे समझ नहीं आता था, इसको सब समझ आता है। यानी आप में और आपके भतीजे में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अंतर महसूस करते हैं, बदलाव है। कुछ लोग कहते हैं कि आज का नौजवान सवाल बहुत पूछता है, घर में भी आपको परेशानी रहती होते, चुप बैठ जा पढ़ाई कर, ऐसा ही होता होगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज के युवा में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, बड़ी हड़बड़ी में है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आज का युवा मोनोटोनस वर्क नहीं चाहता, उसको हर बार नया चाहिए, हर चीज में नयापन चाहिए। और कुछ लोग भी बोले, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारी बातें, लोग कुछ भी कहे, युवा है तो ये सब जरूरी है, इंग्रेडिएंट्स है युवा के। वरना उम्र बड़ी हो दिमाग नहीं चलते, लोग तो देखे हमने। और यही बातें तो आपको इनोवेटिव बनाती है, नए नए आइडिया लाती है। आज का युवा मल्टीटास्किंग के लिए पहले से ही तैयार है और इसलिए कई काम एक साथ करता है। वो एम्बिशन से भरा हुआ है क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, और यही तो न्यू इंडिया का आधार है। साथियों, हमारी सरकार ने देश के युवाओं को सपनों को साकार करने के लिए युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के हर संभव प्रयास किया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि युवाओं को अवसर मिलने चाहिए, अवसरों को समानता मिलनी चाहिए, सामर्थ्य तो उसमें भरपूर है ही। यही कारण है कि शिक्षा और सरकारी सेवाओं में सामान्य वर्ग के गरीब युवा साथियों के लिए 10% आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने किया। दूसरे वर्ग के अधिकार में छेड़छाड़ किए बिना यह काम किया गया। इतना ही नहीं, सरकार शैक्षिक संस्थानों की सीटों में 25% तक की वृद्धि भी कर रही है। साथियों, अवसरों की समानता तभी सुनिश्चित हो जाती है जब सिस्टम से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, अपना पराया, भ्रष्टाचार सब दूर हो। और इसके लिए भी एक के बाद एक कई निर्णय लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ट्रेनिंग और सिलेक्शन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की बात हो, या फिर स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं के आइडियाज को देश की ताकत बनाने की बात हो। हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसका पूरा लाभ उठाने और भविष्य में इन कार्यों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी आप जैसे नौजवानों की है। चौथी औद्योगिक क्रांति के इन शुरुआती वर्षों में भारत तेजी के साथ आगे बढ़े, स्टार्टअप की दुनिया में, इनोवेशन की दुनिया में गरीबी को समाप्त करने के प्रयासों में पूरे विश्व में मिसाल कायम करे, इसके लिए प्रयत्न हम सभी को मिलकर के करना है। याद रखिए, मैं जिस पीढ़ी से रहा, आप जिस पीढ़ी से हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का मौका नहीं मिला, लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम वो लोग हैं जिन्हें देश के लिए जीने का अवसर मिला है।
और इसलिए हमें अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा देश के लिए जीने पर, देश के निर्माण पर लगानी है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, कुछ और भी सुझाव है मेरे मन में। अच्छा हुआ मैं टीचर नहीं हुआ, वरना मैं होमवर्क ज्यादा देता। आप लोग यहां आए हैं, देश के हर जिले से आए हैं, मुझे मालूम नहीं है लॉजिस्टिक व्यवस्था क्या है, लेकिन समय निकाल करके देश के सैनिकों को, 125 करोड़ देशवासियों ने जो नेशनल वॉर मेमोरियल समर्पित किया है 2 दिन पहले, और आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार हुआ है, आप समय निकाल के जरूर वहां हुआइए, जरूर हुआइए। वैसा ही दूसरा पुलिस मेमोरियल बना है, वो भी आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार बना है, उसे भी देखिए। अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करिए, जब आप अपने छात्र में वापस जाएंगे तो, और कुछ काम आए ना आए, ये 2 दिन यहां बिताए उसमें से कुछ काम आए ना आए, इन 2 जगह पर होकर के आएंगे, मुझे विश्वास है आप ऊर्जा से भर करके घर लौटेंगे। प्रेरणा से भरते हुए आप लौटेंगे, मेरा विश्वास है। और इसलिए साथियों, मैं आपका, मुझे बताया गया शायद कुछ सवाल जवाब भी होने वाला है आपके साथ, तो ज्यादा समय मुझे लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक द्वारिका प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने जो 2 पंक्तियां कही थी वो भी मैं आपको कहते कि अभी बात समाप्त करूंगा, और उसी में आपके लिए संदेश है। मेरा पूरा भाषण याद नहीं रखोगे तो चलेगा। इतने ऊंचे उठो कि, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। दोस्तों, मेरी इन सारे सपनों के लिए आपको शुभकामनाएं हैं, और मुझे बताया गया कुछ लोग पूछने वाले हैं। माननीय, पूरे देश भर से युवा यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे सवाल हमारे पास इनकी तरफ से आए भी हुए हैं। इनमें से माननीय कुछ सवाल हम ले रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली से शशांक गुप्ता हैं जो कुछ पूछना चाह रहे हैं। शशांक, खड़े हो जाएं। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम शशांक गुप्ता है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री जी, मुझे और मेरे युवाओं को ये जानकर बहुत ज्यादा गौरव फील होता है कि हमारे देश की ताकत की तारीफ पूरी विश्व कर रहा है। इसी संदर्भ में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि हमारे देश हर एक सेक्टर के अंदर काफी सारी योजनाएं हैं, जैसे एजुकेशन के अंदर हमारे पास स्किल इंडिया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, हमारे पास डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, हमारे पास इवन रिसर्च के लिए प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम है, इवन हमें डिप्लोमेसी सीखने के लिए स्टूडेंट एंगेजमेंट MEA प्रोग्राम है। इसी विषय में सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सभी का हमें कैसे हर एक जिले में, हर एक नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, हर एक युवाओं को कैसे इसका लाभ मिलेगा, कैसे उस चीज को वो प्राप्त कर सकते हैं, यही मेरा क्वेश्चन है। धन्यवाद। आपके बात सही है कि कभी कभी योजनाएं तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि पहले की सरकारें कोई कुछ करती नहीं होगी, योजनाएं तो उन्होंने भी बनाई होगी। कुछ योजनाएं आइडिया तक सीमित रहती होगी, कुछ योजनाएं कागज पे जाती होगी, कुछ योजनाएं फाइल के आगे निकलती होगी, और फिर समय उसी में बीत जाता होगा। हकीकत में अगर हम लास्ट माइल डिलीवरी करते हैं, एजुकेशन करते हैं, तब योजनाओं का लाभ है। अब आपको मालूम है कि देश ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब हुआ था, और इसलिए किया गया था कि बैंकों में गरीबों का हक मिलना चाहिए। उस समय हमारे देश में फैशन थी,
गरीबों के नाम पर खेल खेलने की। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण होकर के 40-45 साल हो गए, लेकिन देश के गरीबों का बैंक अकाउंट खुला नहीं। अब कोई बैंक ने बैंक अकाउंट नहीं खोलना ये तो कहा नहीं था, लेकिन लास्ट माइल डिलीवरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया और देश के हर व्यक्ति का बैंक खाता होना चाहिए ये हमने तय किया। और शुरू में हमारी थोड़ा बैंक वालों से थोड़ी परेशानी भी रही। हमने ये कहा कि जीरो अमाउंट से बैंक खाता खोलना है। कोई बैंक वाला क्यों शुरू होगा भाई जीरो अमाउंट से? कठिन काम होता है, ये करना पड़ता है। और जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खोले गए। और आप देखिए हमारे देश के गरीबों की अमीरी देखिए, अमीरों की गरीबी तो बहुत देखी है, लोग भाग जाते हैं। और गरीबों की अमीरी देखिए, जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खोलना था, लेकिन इन गरीब परिवारों ने बैंक का अकाउंट का उपयोग करते हुए सेविंग की दिशा में गए और आज करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपया उन्होंने सेविंग किया है बैंक अकाउंट। ये गरीबों की अमीरी है और देश गरीबों की अमीरी से ही आगे बढ़ने वाला है। अब ये क्यों हुआ? तो लास्ट माइल डिलीवरी से हुआ। अब मान लीजिए मुझे बराबर याद है, एक दादा धर्माधिकारी करके गांधीयन विचारक थे, कभी आपको भी मौका मिले तो दादा धर्माधिकारी जी की किताबें पढ़ने जैसी, छोटी 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 चीजें लिखते थे वो, आचार्य विनोबा जी के प्रभाव में रहे थे। उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि मेरे बोले परिचित परिवार के किसी ने भेजा कि भाई बच्चा बड़ा हो गया है, अब तो ग्रेजुएट भी हो गया है, लेकिन कहीं रोजी रोटी नहीं मिलती है, कुछ व्यवस्था कीजिए। तो मेरे पास बोले आया तो मैंने उसको पूछा तुझे क्या आता है? तो उसने कहा मैं ग्रेजुएट हूँ। नहीं हाँ बोले ग्रेजुएट हो, लेकिन आता क्या है तुझे? नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ भाई ग्रेजुएट हो लेकिन तुझे आता क्या है? कहा नहीं मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं 3 साल कॉलेज जाके आया। अरे उन्होंने कहा तुम्हें ड्राइविंग आता है क्या? तो बोले नहीं आता है। खाना पकाना आता है क्या? बोले नहीं आता है। टाइपिंग करना आता है? बोले नहीं आता है। तो तुझे आता क्या है? दादा धर्माधिकारी ने बड़े सटीक तरीके से इस बात का वर्णन किया है। हमारा जो कौशल विकास का प्रयास है उसके पीछे है कि परमात्मा ने हमें हाथ दिया है, हुनर की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है। और जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसकी एक ताकत है कि इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता जी, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, आत्मविश्वास उसका बढ़ जाता है। तो हम देश भर में इस नेटवर्क को खड़ा कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स, पहले एक जमाना था कि बड़े बाबू के बेटों को मिलो तो वो कहेगा कि मैं भी बाबू बनना चाहता हूँ। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो अफसर हैं उनको पूछता हूँ कि बेटा क्या करता है, बोले साहब वो तो सरकार में आना नहीं चाहता, वो तो स्टार्टअप करना चाहता है। यानी स्टार्टअप एक इनोवेशन, कुछ नया करना। और सरकार ने मुद्रा योजना बनाई है, इस मुद्रा योजना से बिना बैंक गारंटी देश का कोई भी व्यक्ति बैंक से पैसा ले सकता है जी। और इस सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया ऐसे नौजवानों पर भरोसा करके दिया है और 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली बार बैंक से पैसा लिया है, उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा करना होना तय कर लिया और खुद तो हो गया, साथ में 1-2 लोगों को और रोजगार दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हम योजनाएं बना रहे हैं लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दे करके कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इन योजनाओं की तरफ अब आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे जो करीब देश में 2.5 लाख गांवों में है, वहां पर सरकार की 400 से ज्यादा योजनाओं का लाभ आप ऑनलाइन जानकारी लेकर के उसका फायदा उठा सकते हैं। आप नौजवान भी अपने इलाके में बता सकते हैं कि देखो भाई कॉमन सर्विस सेंटर में एप्लीकेशन फॉर्म है, कहाँ जाना क्या जाना, ये सारा गाइडेंस है और डिजिटली अवेलेबल है, उसको हमने समझा दिया,
तो उसको पहुंच सकता है। कभी सबसे बड़ी बात क्या हुई, हमने देशवासियों पर भरोसा करना तय किया है। एक सोच थी सबको चोर मानना, क्योंकि खुद में अंदर चोर बैठा था, और ये सबको चोर मानना। मैंने कहा ऐसा नहीं जी, कुछ लोग होंगे गलत रास्ते पर, लेकिन अधिकतम लोग ईमानदार होते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए जीते हैं, ऐसे लोग होते हैं। अब आप मुझे बताइए, पहले आपको अगर कहीं एप्लीकेशन करनी होती थी तो आपकी सर्टिफिकेट का जेरोक्स नहीं चलता था, आपको किसी म्युनिसिपैलिटी के चुने हुए मेंबर के पास से उसको सर्टिफाई करवाना पड़ता था। ये था ना पहले, आपको दो दो घंटे कतार में खड़ा रहना पड़ता था, और वो भी बड़ी तिशमारखी मारता था, कल आना, परसों आना, कितनी बार आओगे, सब एक साथ लेके आओगे, ऐसा कैसे लाए, ऐसा होता था ना। हमने क्या क्या जरूरत है भाई, वो एक कॉरपोरेटर या तहसील पंचायत अधिकारी, एक एमएलए, एक एमपी, वो कौन होता है ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाला। अरे खुद ही दे दो कि मैं ईमानदारी से देता हूं, और कर लिया मैंने। इस देश का कोई भी व्यक्ति अपने सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट करके दे सकता है, और जब फाइनल देखना होगा तो ओरिजिनल दिखा देना भाई, बेकार में परोसे परेशान क्यों। तो ये बदलाव जो है, उस बदलाव से आप देखते होंगे कि नीचे तक एक सकारात्मक गुड गवर्नेंस का प्रभाव, और अल्टीमेटली डेवलपमेंट प्लस गुड गवर्नेंस, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिर्फ डेवलपमेंट स्कीम हो, एक गांव में बढ़िया बस स्टेशन बना दे, वहीं डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है। डेवलपमेंट तब पूरा होता है बढ़िया बस स्टेशन हो, बस स्टेशन की सफाई भी हो, बस समय पर आती हो, कंडक्टर का व्यवहार ठीक रहता हो, ये सब पैकेज अच्छा हो, तब जाकर के बस स्टॉप का उपयोग है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंटरलिंक ऑल आउट एक बदलाव महसूस हो। अब स्वच्छ भारत, अब मुझे बताइए, क्या टॉयलेट के कार्यक्रम पहले नहीं चलते थे क्या? लेकिन आप आधा अधूरा काम करोगे तो नहीं चलेगा। हमने तय किया एक बार इस समस्या से मुक्त होना है, निकल पड़ो। देश में 9 करोड़ टॉयलेट बन गए जी। हमारे देश में बच्चियां स्कूल इसलिए छोड़ देती थी क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल की होते होते महसूस कर रही थी कि बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है, और उसी एक मानसिक बोझ के कारण बच्ची 5-6 साल की पढ़ाई के बाद, 5वीं कक्षा के बाद निकल छोड़ देती थी। मैंने कहा भाई कम से कम स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट तो बनाओ। अब कोई कह सकता है अरे भारत के प्रधानमंत्री का ये काम है क्या टॉयलेट बनाना, उसको तो बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। बड़ी बातें करने वाले 13 चले गए मेरे पहले। और कोई? माननीय महाराष्ट्र अमरावती से यहाँ पर आई हुई हैं आकांक्षा अस्तनारे, इनकी भी कुछ उत्सुकता है जानने की। आकांक्षा, सर्वप्रथम सुप्रभात माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आकांक्षा हूँ महाराष्ट्र से। मेरा प्रश्न पूछने की अनुमति चाहूंगी आपसे। मेरा प्रश्न ये है कि युवाओं ने जो अनुभव किया है पिछले 4.5 वर्षों में, युवाओं की स्थितियां काफी बेहतर हो चुकी है, अब हम पर भरोसा भी किया जा रहा है, तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आपने इन स्थितियों को कैसे बदला? ये स्थितियों को मैंने नहीं बदला है, देशवासियों ने बदला है। देशवासियों के विश्वास ने बदला है। अब स्वच्छता कोई मोदी झाड़ू लेकर के निकला है क्या? देशवासियों ने तय किया देश को स्वच्छ बनाना है, सब लोग लग पड़े। आज घर में भी छोटा बच्चा आप कुछ डालते हैं तो बच्चा कहता है नहीं नहीं उठा लो दादू, दादू उठा लो, ये मोदी जी ने बोला है दू उठा लो, कहता है कि नहीं कहता है? देश बदलता है देशवासियों की शक्ति से, देशवासियों के संकल्प से। सरकार का काम है उन्हें अवसर देना, खुलापन देना, और वो काम करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर चल रही है। धन्यवाद।
माननीय आपका ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी यूपी है और वहाँ से एक सवाल हम लेना चाहते हैं। खुशी श्रीवास्तव यहाँ पर आई हुई है वहाँ से। खुशी पूछिए क्या पूछना है। नमस्कार। नमस्ते। रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि करप्शन ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी इंडिया की जिसको सब लोग ऐसे ले रहे थे कि अब अगर जीना है इंडिया में तो करप्शन को मान के चलो कि होना है या करना ही करना है, बट इससे लोग परेशान भी बहुत थे। पिछले 4 सालों में ऐसा हुआ है कि जो जितने लोग पैसा ले रहे थे वो इतना डर चुके हैं, यहाँ तक कि सिस्टम में लीकेज भी रुक गया है। गर्व तो होता है इस बात का, पर आश्चर्य भी होता है। इतने साल से छोटे से थे तब से देखते आ रहे हैं ये बड़ी प्रॉब्लम, 4 साल में कैसे सही हो गई, आपसे पूछना जरूर चाहेंगे। ये बात सही है कि हमारे बाद भी जो देश आजाद हुए वो कहां से कहां पहुंच गए। हम अपने ही अंदर ऐसी बुराइयां पालते गए और एक के बाद नई बुराइयां लेते आते गए। जैसे शरीर में एक बार डायबिटीज आता है ना, तो सारी बीमारियों को वो निमंत्रित करता है, वो राजरोग बोला जाता है। डायबिटीज अपने आप में बुरा दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है, लेकिन एक बार डायबिटीज हो तो हारी बीमारियां। ये करप्शन एक ऐसी दिमाग है जो सारी बीमारियों को ले आती थी। जब तक आप करप्शन रूपी दीमक से देश को मुक्त नहीं करते हैं, तब तक आप और बीमारियों से भी मुक्त नहीं हो सकते। और इसलिए काम थोड़ा कठिन है और हर कोई ये काम कर नहीं सकता है जी। जिसको खुद को कुछ लेना देना नहीं है, जिसको अपने लिए कुछ करना नहीं है, वो जरूर इस काम को कर सकता है। और इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो नियम और कानून से जीना चाहते हैं। हमने उन्हीं को प्रोत्साहित किया, उसी का परिणाम है। अब आप देखिए, हमारे देश के युवा तय कर लें कि हम कहीं पर भी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो हम डिजिटल पेमेंट करेंगे, मोबाइल ऐप से ही पैसे देंगे। मुझे बताइए साहब, अकाउंट से चलना शुरू हो जाएगा नहीं जाएगा? कोई गलत लेगा तो पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? अगर वो व्यवस्था ठीक हो गई तो कुछ भी बुरा होगा क्या? यानी हम भी अगर कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, और आज हुआ है, आप पहले की तुलना में डबल संख्या, 70 साल में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या डबल हो गई। ये ईमानदारी का रास्ता नहीं आया तो क्या है? तो ये संभव है और आप लोगों के साथ सहयोग से जरूर संभव होगा। माननीय साउथ से भी हम एक सवाल लेना चाहते हैं। कर्नाटका के तुमकुर से आए श्री रक्षित यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, पहले से प्रणाम कर रहा हूँ। मैं एक वचन समर्पित कर रहा हूँ आपके लिए। आचार्य है स्वर्ग, अनाचार्य है नर्क। मतलब ही आचार तो स्वर्ग कर रहे हैं, अनाचार तो स्वर्ग नहीं जा रहा है। इसलिए ये साल आप साबित कर दिया पूरे विश्व को। इसलिए मेरा प्रश्न ही हो, आपके साथ में हम देश बढ़ रहा है, ये हम यूथ क्या करना चाहिए आप बताइए। मुझे बताना पड़ेगा क्या यूथ को क्या करना चाहिए? देखिए, एक छोटा सा विषय ले मेरा। आप देखिए कि हमारे देश में 800 मिलियन 35 से कम आयु के लोग हैं। वे देश को बदल सकते हैं जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या हमारा कोई नौजवान है जो वोटर लिस्ट में उसका नाम ही रजिस्टर नहीं हुआ है? करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? 21वीं सदी में जो पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, उनको पहली बार इस लोकसभा में वोट देने का हक मिलने वाला है। और जैसे घर में बच्चा पहली बार जब स्कूल जाता है तो परिवार में बड़ा उत्सव होता है, बड़ा विदाई समारंभ होती है, सब लोग जाते हैं, मिठाई बांटते हैं, गरीब से गरीब भी टीका विका करके जाते हैं। मेरा मत है जो पहली बार मतदाता बनता है ना,
उसका उत्सव मनाना चाहिए। युवकों ने सब दूर भाई हम पहली बार मतदाता बन रहे हैं, बड़े समारोह करने चाहिए अगला, क्योंकि वो देश के एक निर्णायक पोजीशन पे आ गया है, वो देश का फैसला करने का हकदार बन गया है। अगर हम ऐसे कुछ चीजों को करें, डिजिटल इंडिया, हम चारों तरफ लोगों को प्रेरित करें कि भाई हम कैश करेंसी से बाहर निकल करके डिजिटल करेंसी के द्वारा पेमेंट करने की आदत डालें, बहुत काम हो सकता है। तो सेवा करने के लिए, समाज में बदलाव करने के लिए बहुत सी चीजें होती है, मैं समझता हूं हमें करना चाहिए। धन्यवाद। माननीय, ये आखिरी सवाल था, अपनी तरफ से आप कुछ प्रेरणा देना चाहिए सबको। जी चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।